बहुत सारे स्टूडेंट कुछ दिन से कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोग इकलान स्कॉलरशिप पे अप्लाई किए, मेरा फाइनल अप्रूव है, डबल ऑफिसर हो चुका है, 1-1.5 महीना पहले ही हो चुका है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। तो कब तक पेमेंट मिलेगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताए। तो आज इस वीडियो में आप लोग कुछ स्टूडेंट का स्टेटस लॉग इन करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ बताने वाला हूँ कि स्टूडेंट लोग को कब तक पेमेंट मिल सकता है, और पेमेंट अगर नहीं मिला तो अभी आप लोग को क्या करना है जिससे कि आपको जल्द से जल्द पेमेंट मिले। तो सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एक बार कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नया नया अपडेट हमेशा पाने के लिए। तो देख सकते हैं ये इकलान स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम लोग स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर सर्विस में देख सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन में आप लोग को अपना लॉगिन करके स्टेटस को चेक करना कि आपका अभी कहाँ पर है। तो देख सकते हैं कि स्टूडेंट का हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो उसका मोबाइल नंबर और पासवर्ड ले लिए, और यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसको फिल करते हैं और यहाँ पर लॉगिन करते हैं। तो स्टूडेंट का लॉगिन हो जा गया। एप्लीकेशन स्टेटस में जाके इसका अभी एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करते हैं, अभी नया सेशन 21-22 का। तो देख सकते हैं इस स्टूडेंट का दिखा रहा फाइनल अप्रूव बाय डबल ए ऑफिसर, बहुत दिन से दिखा रहा, लगभग 1-1.5 महीना से, इसको भी अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। इसी प्रकार बहुतों स्टूडेंट ऐसा है जिनका फाइनल अप्रूव हो चुका लेकिन पेमेंट नहीं मिला। कुछ स्टूडेंट का अप्रूव बाय DW ऑफिसर दिखा रहा, उसके बाद फाइनल अप्रूव होगा, फिर उन लोग को भी वेट करना पड़ेगा। अभी बात करता हूँ फाइनल अप्रूव होने के कितना दिन के अंदर स्टूडेंट को पेमेंट मिल जाता है, और पेमेंट मिलने का आखिरी डेट कब है, पेमेंट मिलने का लास्ट डेट क्या रहता है इकलान का। तो देखिए सबसे पहले बात करता हूँ इकलान का फॉर्म वेरिफिकेशन के बारे में। तो इकलान स्कॉलरशिप का फर्स्ट फॉर्म वेरिफिकेशन कॉलेज लेवल होता है, अप्रूव बाय कॉलेज। उसके बाद आपका DA ऑफिसर वेरीफाई होता है, अप्रूव बाय DA ऑफिसर। फिर DW ऑफिसर अप्रूव होता है, अप्रूव बाय DW ऑफिसर। उसके बाद लास्ट में आपका वेरीफाई होता है DAA ऑफिसर से, तो लिखा था फाइनल अप्रूव बाय DAA ऑफिसर। इसके आगे आपका फॉर्म और वेरीफाई नहीं होगा, यहीं तक वेरीफाई होता फिर स्टूडेंट को पेमेंट रिसीव होता है। पिछले ही बार का बात करता हूँ तो स्टूडेंट को मार्च तक में पेमेंट मिल जाता है, क्योंकि ये किसी भी ईयर का फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट जो होता है वो 31 मार्च 2000, मतलब जितना भी ईयर रहता है 31 मार्च तक रहता है। तो पिछले बार देख सकते हैं स्टूडेंट को कब तक पेमेंट मिला था, इसको मिला था 17 मार्च तक स्टूडेंट को पेमेंट रिसीव हो गया था। बहुतों स्टूडेंट का मार्च के बाद भी पेमेंट रिसीव हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट जो 31 मार्च रहता है, तो हम लगभग स्टूडेंट को पेमेंट मिल जाता है 31 मार्च तक। लेकिन इस बार जो है एक दो डिस्ट्रिक्ट में, लगभग गोड्डा के कुछ स्टूडेंट को पेमेंट मिला था, स्क्रीनशॉट सेंड किए थे, मतलब एक दो जिला में पेमेंट मिला है कुछ स्टूडेंट को, ज़्यादातर स्टूडेंट को जो है पेमेंट इस बार नहीं मिला अभी तक। और एक स्टूडेंट का मैं आप लोग को लॉगिन करके स्टेटस को दिखा रहा हूँ, जैसे इसका लॉगआउट कर दिए, अभी दूसरा स्टूडेंट का लॉगिन करता हूँ, फिर बात करता हूँ पेमेंट के बारे में और कब तक आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड ले लिए, अभी हम इसका वेरिफिकेशन कोड फिल करके लॉगिन करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो लॉगिन हो गया एप्लीकेशन स्टेटस में, अभी नया सेशन का लेते हैं। तो अभी देख सकते हैं इस स्टूडेंट का दिखा रहा है अप्रूव बाय DW ऑफिसर, बहुत दिन से दिखा रहा है, 1.5-2 महीना से अप्रूव बाय DW ऑफिसर दिखा रहा है। और इसका पिछले साल का पेमेंट का चेक करते हैं, देख सकते हैं पिछले साल 20-21 सेशन का, तो इस स्टूडेंट को कब पेमेंट मिला देख सकते हैं, फाइनल अप्रूव बाय DAA ऑफिसर, और 13-5-2021 को पेमेंट मिला, मतलब लास्ट 31 मार्च ही नहीं रहता है, उसके बाद भी स्टूडेंट को पेमेंट मिलता है। तो इस स्टूडेंट का कब मिला था पिछले बार देख सकते हैं, 13 मई में, सोचिए कि 13-5-2021 में स्टूडेंट को पेमेंट रिसीव हुआ था। तो ऐसे भी कोई आप लोग का बात नहीं है कि 31 मार्च के बाद पेमेंट नहीं, 31 मार्च से पहले नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत स्टूडेंट का मार्च के बाद अप्रैल मई जून तक स्टूडेंट को पेमेंट मिला है, तो इस बार 31 मार्च तक स्टूडेंट को नहीं मिला तो अप्रैल का लास्ट तक में या फिर मई में आप लोग को पेमेंट तो कंफर्म है कि आप लोग को पेमेंट मिल ही जाएगा। अगर आपका फाइनल अप्रूव बाय DAA ऑफिसर हो गया है तो आपको सिर्फ अभी धैर्य रखना, वेट करना, आपको पेमेंट मिल जाएगा। और एक बात, पेमेंट जल्दी लेने के लिए हम CM सर को एक ट्वीट भी कर रहे हैं, अभी ट्वीट कर रहे हैं कि सर सेशन 21-22 का स्टूडेंट का फाइनल अप्रूव बहुत दिनों से हो चुका है, 1.5-2 महीना से, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं भेजे हैं,
तो जल्द से जल्द पेमेंट देने का कृपा करें इकलान स्कॉलरशिप में। तो इस ट्वीट को जो आप लोग रिट्वीट कीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आप लोग को जल्द से जल्द अगर पेमेंट चाहिए तो ट्वीट जरूर कीजिएगा, ज़्यादातर ट्वीट का ही आजकल बात सुना जाता है, तो ट्वीट का रिट्वीट एक बार जरूर करेंगे अगर आप लोग ट्विटर यूज करते हैं तो। ठीक है, तो बस जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।